हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जायरोस्कोप के बारे में कि जायरोस्कोप क्या होता है और क्या इसकी एप्लीकेशंस होती है। मींस हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम देखेंगे कि जायरोस्कोप का इफ़ेक्ट एरोप्लेन पे क्या होता है। ठीक है, तो जायरोस्कोप क्या होता है, एरोप्लेन पे इसका क्या इफ़ेक्ट है और जायरोस्कोपिक कपल या फिर जायरोस्कोप की जो इक्वेशन होती है जो डिराइव करनी होती है वो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जायरोस्कोप होता क्या है। जायरोस्कोप आपका एक मैकेनिकल डिवाइस बोल दो, इंस्ट्रूमेंट बोल दो, जो कि सिस्टम को बैलेंस करता है। जो भी आपका सिस्टम है, अगर आप एरोप्लेन की बात कर रहे हो तो एरोप्लेन की बैलेंसिंग में वो आपको हेल्प करेगा। क्लियर, तो इसका काम क्या हो गया, सिस्टम को बैलेंस करना या सिस्टम के ओरिएंटेशन को मेंटेन रखना, उसको सही रखना। क्लियर, अब इसका एक बेसिक एग्जांपल डे टू डे लाइफ का मैं आपको देती हूँ। बचपन में या पुराने टाइम में क्या होता था कि आजकल तो बहुत सारे गेम्स होते हैं, बच्चे आपको ये साइकिल का पहिया घुमाते हुए नहीं मिलेंगे गली में, बहुत कम रेयरली मिलेंगे। लेकिन पहले के टाइम पे क्या था कि बहुत ज़्यादा जनरली कॉमन गेम था ये कि जो साइकिल का व्हील होता था, जो कि साइकिल से अलग है, काम का नहीं है, तो उसको बच्चे क्या करते थे, उसके बीच में एक रॉड या एक डंडा फंसा के और उसको गोल गोल घुमाते थे, तो वो व्हील रोटेटरी मोशन भी करता था एंड रेसिप्रोकेटिंग मोशन, मतलब कि जो हमारी रोड थी, सड़क थी, उसके ऊपर भी वो मूव करता था, तो दोनों मोशन उस पर होते थे, वो बैलेंस रहता था। तो वो बैलेंस जो रहता था उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो यही है जायरोस्कोप का जो कंसेप्ट है। आई बात समझ में? तो जो साइकिल का व्हील है, अगर आप उसको रोड पे इसी तरीके से रख दोगे, साइकिल का व्हील है, अगर आप इसको इस तरह से रोड पे रखोगे, इसको मूव करवा के इस तरीके से, तो ये इस तरीके से वहाँ पे बैलेंस नहीं रहेगा। अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो जस्ट ये एक डंडा है, एक रॉड है, मैंने इसको यहाँ से भी होल्ड किया है, यहाँ से भी होल्ड किया है, तो क्या होगा, ये बैलेंस रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने एक सपोर्ट हटा दिया यहाँ से और ये मूविंग है, मतलब कि रोटेटरी मोशन में है ये व्हील, तो यहाँ पर ये इस तरीके से बैलेंस नहीं रहेगा, ये गिर जाएगा, जैसे ही थोड़ा फोर्स लगा ये गिर जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि इसके जो ये ब्राउन कलर का पैन है, जो ये एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर के एक्सिस के अबाउट हम इस व्हील को बैलेंस कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, ये एक परपेंडिकुलर एक एक्सिस है, मैंने माना कि ये जो एक्सिस है वो ये है, कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा, ये व्हील जो ये येलो कलर का जो टेप लगाया है मैंने, ये रोटेट कर रहा है इस ब्राउन कलर के पैन की जो एक्सिस है उसके अलोंग, और ये पूरा ब्राउन कलर का जो पैन है, जो एक्सिस है, वो भी क्या करेगी, रोटेट करेगी इस वाई एक्सिस, जो कि एक एक्सिस है जिसका नाम क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगी, उसके अलोंग हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यही हमारा जायरोस्कोप का मेन बेसिक कंसेप्ट है। अब इसको हम कॉपी पर 2D में बनाते हैं और 3D का डेमो भी मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। तो जस्ट आप देखिए कि ये एक एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस को मैंने बोल दिया कि कोई एक्सिस है, इसके ऊपर एक रोटर लगा हुआ है, रोटर मान लो, डिस्क मान लो, कुछ भी आप यहाँ पे मान सकते हो। अब ये जो डिस्क है ये इसके ऊपर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो क्लॉकवाइज भी कर सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकती है। तो मैंने माना कि जो ये कर रही है वो क्या कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। क्लियर, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो ये जो ब्राउन कलर की जो एक्सिस है वो क्या हुई, एक्सिस ऑफ स्पिन, क्योंकि इसके अबाउट ही स्पिन कर रहा है वो, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एक्सिस ऑफ स्पिन। क्लियर, अब अगर इसको मुझे बैलेंस करना है तो कोई परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, उसके अलोंग ये क्या होगा, बैलेंस रहेगा। तो मैंने मान लिया जो परपेंडिकुलर एक्सिस है मेरी कोई, वो ये वाली है, ठीक है। तो इस एक्सिस को क्या नाम देंगे, ये एक्सिस ऑफ स्पिन है, यहाँ पे जो रोटर लगा हुआ है वो ऑलरेडी इस एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है, और ये एक्सिस किसी और एक्सिस के अबाउट अगर स्पिन करेगी, रोटेट करेगी, तो वो एक्सिस क्या होगी, एक्सिस ऑफ प्रिसीजन, एक्सिस ऑफ प्रिसीजन शॉर्ट में लिखा है। क्लियर, तो ये क्या है, एक्सिस ऑफ प्रिसीजन। लेकिन यहाँ पर हम एरो अभी तक ऐसे भी नहीं बनाया और ऐसे भी नहीं बनाया है, क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि ये जो रोटर है वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी ये हमें नहीं पता है। इसको पता करने के लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल। मैंने अपना राइट हैंड लिया है, अब मेरा राइट हैंड क्या है, मैंने इस तरीके से बनाया है, जो थंब है वो मैंने बाहर की तरफ क्यों रखा है, मैं राइट हैंड को इस तरीके से भी ले सकती थी, पर्पज़ ये है, लॉजिक ये है, क्योंकि यहाँ पर रोटर जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, मेरी फिंगर्स में मैंने मान लिया कि ये रोटर है,
ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से घूम रहा है, तो मतलब इस तरीके से घूम रहा है मेरे नेल्स को देखो, रोटर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। कब, जब हम यहाँ से देख रहे हैं, आई बात समझ में, हम यहाँ से देख रहे हैं रोटर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो जो ये फिंगर है, जो हमारा ये थंब है, वो क्या शो करेगा, वेक्टर को शो करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा, इसलिए हमने उसको डायरेक्शन बता दी कि आउटसाइड डायरेक्शन होगी। अगर हमारा रोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होता, मतलब कि कुछ इस तरीके से, मान लो कुछ इस तरीके से, मेरी फिंगर को देखो, फिंगर क्या शो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रही है, इस तरीके से अगर घूम रहा होता, इस तरीके से अगर घूम रहा होता, तो मेरा जो थंब है वो क्या है, इस डायरेक्शन में, तो इनवर्ड वो शो करता। मैं यहाँ से देख रही हूँ, अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ उसको इधर से, तो वो इनसाइड की तरफ शो करता। आई बात समझ में, तो यहाँ पर हमारा रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो हमारा जो डायरेक्शन होगी थंब की वो क्या है, आउटसाइड है, इसीलिए मुझे यहाँ पर डायरेक्शन मिल गई है, जो कि मैं यहाँ एरो से शो कर रही हूँ, ये होगी। आई बात समझ में, अगर क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ बनी है राइट एंड थंब रूल से, और अगर इनसाइड होता तो क्या होती है, डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज होती, तो ये इनसाइड में होती। क्लियर, ये बेसिक कंसेप्ट से, थोड़ा सा पेशेंस रखना वीडियो के साथ में, पर ये वीडियो देख लोगे अगर, तो मुझे कन्फर्म है कि आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक पूरा, डाउट नहीं रहेगा कोई भी। क्लियर, तो अब हमारे पास में ये डायरेक्शन निकल के आ गई है, ये हमारी एक्सिस ऑफ स्पिन है, ये हमारी एक्सिस ऑफ प्रिसीजन है। ठीक है, एक्सिस ऑफ प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, कि कोई एक्सिस जो ऑलरेडी कोई चीज़ उसके ऊपर रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, वो एक्सिस इट्सेल्फ किसी और एक्सिस के अबाउट अगर आपको रोटेट कर रही है, तो उसको हम एक्सिस ऑफ प्रिसीजन बोलते हैं। क्लियर, अब देखो कि यहाँ पे इसको मैंने मान लिया कि ये पोजीशन क्या है, एक्स है। ठीक है, ये एक्सिस अभी एक्स पोजीशन पे है, मैंने माना कि मैं इधर से देख रही हूँ, अभी मैंने बताया था ना आपको कि मैं इधर से देख रही हूँ, तभी तो ये क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, तो मैं इधर से देख रही हूँ, जो मेरा देखने का नज़रिया है, जो मैं देखने का तरीका है, वो मैं इस डायरेक्शन से देख रही हूँ। क्लियर, तो जब मैं इस डायरेक्शन से देखूंगी, और मेरा लेफ्ट क्या होगा, ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर देख रही हूँ, तो ये मेरा लेफ्ट हुआ, ये मेरा राइट हुआ, कुछ इस तरीके से, तो मैंने इसको लेफ्ट टर्न करवाया, इस एक्सिस को ही मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट टर्न करवाया, तो अब मेरी न्यू पोजीशन क्या आ गई, एक्स डैश हो गई। ठीक है, ये रोटर यहाँ पे था, यही रोटर मैंने यहाँ पे भी बना दिया आपको रेफरेंस के लिए। ठीक है, अभी रोटर की साइज शेप उस पर मत जाना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब कि ये क्या हो गया, हमने इसको लेफ्ट टर्न करवाया। क्लियर, तो ये हुआ आपका एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, ये क्या शो कर रहा है, एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। क्लियर, अब एक्शन का रिएक्शन होता है, हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ भी पढ़ा है कि कोई भी एक्शन अगर होता है तो उसका रिएक्शन होगा। बैलेंस कैसे होगा सिस्टम, अगर मैंने सिस्टम को इस तरीके से घुमाया, तो ये अपने आप को बैलेंस कैसे करेगा, एक रिएक्टिव फोर्स लगाएगा, रिएक्टिव कपल लगाएगा। क्लियर, तो ये क्या है आपका, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। क्या है ये, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। आर क्या शो कर रहा है, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। सारी कहानी, सारी स्टोरी, सब कुछ इसी के अराउंड है, यही सबसे मेन है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। इसको जायरोस्कोपिक कपल बोल दो, या फिर सिंपल जायरोस्कोप बोल दो, जायरोस्कोपिक टॉर्क बोल दो, सब कुछ इसको बोला जा सकता है। क्लियर, तो हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं। अब देखो कि ये हमारा, ये समझ में आ गया बेसिक। अब मैं इसको आगे नेक्स्ट स्टेप पर हम जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। ये जो इसकी, ये जो रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसकी कुछ ना कुछ तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसके रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है। मैंने मान लिया कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, डेट इज़ ओमेगा। क्या है, ओमेगा, इस एक्सिस की, मतलब इसकी। ठीक है, एंड तो ये जो एक्सिस है, ये जो प्रिसीजन एक्सिस है, ये भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इसकी भी कुछ ना कुछ होगी, इसको मैंने बोल दिया ओमेगा पी। पी क्या शो कर रहा है, प्रिसीजन वाला ओमेगा। क्लियर, अब मैंने एक छोटा सा डेमो देने के लिए बनाया है आपको, ये आपको मैंने समझाने के लिए बनाया है। वाइट पे वाइट नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको एक जुगाड़ लगा के अलग कलर पे आपको बताती हूँ। ये देखो, अब इस पे देखो, ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली कौन सी, आपकी एक्सिस ऑफ स्पिन। ये वाली एक्सिस हो गई आपकी एक्सिस ऑफ प्रिसीजन। ये जो गोल गोल मैंने बनाया है, ये रोटर है। अगर ये ना दिखे तो आप ये मान लो इस तरह का। ठीक है, तो ये क्या मैंने बनाया है, रोटर बनाया है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रही हूँ, ये चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई है। अब ये रोटर क्या कर रहा है, इस तरीके से हमने इसको मोशन दिया, एंगुलर मोमेंटम दिया है, जिससे क्या कर रहा है, ये इस एक्सिस ऑफ स्पिन के ऊपर रोटेट कर रहा है।
क्लियर। एंड साथ ही में क्या होगा, ये जो एक्सिस ऑफ प्रिसीजन है ये वाली, ये क्या कर रही है, इस तरीके से टर्न करेगी, रोटेट करेगी, कितना भी कर सकती है, इतना भी कर सकती है, इतना भी कर सकती है, इतना भी कर सकती है, पूरा भी पूरा घूम सकती है। कितना घूमेगी ये क्या डिपेंड करता है कि सिस्टम को बैलेंस करने के लिए कितना घूमने की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक ही आए और सिस्टम बैलेंस हो जाए, ये जो ये सिस्टम है हमारा ये बैलेंस हो जाए तो उसको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक आए तब सिस्टम बैलेंस होगा, तो ये कितना रिक्वायरमेंट कितना घूमेगा ये सिस्टम के बैलेंसिंग पर डिपेंड करता है कि बैलेंस करने के लिए अपने आप को वो कितना रोटेट करवाता है। क्लियर। तो ये एक्सिस ऑफ प्रिसीजन हो गई, ये एक्सिस ऑफ स्पिन हो गई, ये हमारा रोटर हो गया। जो मैंने अभी 2D में बताया था वही मैंने आपको 3D में बताने की कोशिश करी है। क्लियर। अब देखो अब क्या होगा, ये जो सिस्टम मैंने बनाया है ये तो बेसिक जायरोस्कोप के बारे में मैंने बताने के लिए बनाया है कि एक्टिव बनता है, रिएक्टिव बनता है, लेकिन इसका जो मेन इफेक्ट हम देखने वाले अभी वो क्या देखने वाले, एरोप्लेन के ऊपर देखने वाले। तो उसके लिए हमें एरोप्लेन की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो जस्ट देखो मैंने ये एक एरोप्लेन लेकर आ गई हूँ, ठीक है, सारे जुगाड़ मैंने बना के रखे हैं यहाँ पे। ये एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन का ये फ्रंट साइड है, इसको नोज़ बोलेंगे, ये बैक साइड है पीछे का साइड, तो उसको रियर साइड बोलेंगे, ठीक है। तो इसको रियर साइड है, इसको टेल बोलते हैं। जो एरोप्लेन का फ्रंट होता है उसको नोज़ बोलते हैं, जो पीछे का साइड होता है उसको टेल बोलते हैं। क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर आपको ये देखो इसको थोड़ा इस तरीके से, ये क्या है आपका टेल और ये क्या है आपका नोज़, आई बात समझ में। अब जो हम डिस्क लेके चल रहे थे वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, एरोप्लेन में एक ये वाली एक्सिस होती है, ये वाली क्या है एक एक्सिस है, सेंटर में होती है और जिसके ऊपर प्रोपेलर लगा होता है, तो उसको प्रोपेलर शाफ्ट बोलते हैं। ये क्या होती है, प्रोपेलर शाफ्ट होती है, तो ये रोटेट करती है। तो यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज माना था, तो यहाँ पे भी हमने मान लिया क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। और हम कहाँ से देख रहे हैं, टेल साइड से, मतलब कि रियर से देख रहे हैं। यही क्या हो गई, रियर से हम क्या कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, रियर से हम क्या कर रहे हैं, इसको व्यू कर रहे हैं। क्लियर। तो अब क्या इफेक्ट होता है देखेंगे, सेम यही प्लेन दिख रहा है पीछे से, कोई इफेक्ट है ही नहीं अभी। लेकिन जब हम इसको टर्न करवाते हैं, जब एरोप्लेन आपका राइट टर्न लेगा या लेफ्ट टर्न लेगा, तो इतना इजी नहीं होता है कि आपने सोचा कि राइट में घुमाना है तो आपने एरोप्लेन को फटाफट राइट में घुमा दिया, लेफ्ट में घुमाना है तो आपने फटाफट लेफ्ट में घुमा दिया। वहाँ पर एयर प्रेशर होता है, तो उसके जो एयर आप पे क्या करती है, दबाव बना के रखती है, तो वो अपना एक फोर्स लगाती है, तो उसको बैलेंस करना होता है। क्लियर। तो इसीलिए हम जायरोस्कोप का प्रिंसिपल वहाँ पे देख रहे हैं। ये हमारा टेल, रियर व्यू, रियर साइड से हम क्या कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग क्या है हमारी, रियर है। तो हम जब यहाँ से व्यू करते हैं और हम इसको लेफ्ट टर्न घुमाते हैं, जो हमारा एरोप्लेन है उसको लेफ्ट टर्न लेना है सपोज करो, तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से। माना कि हमने एक और प्लेन बना दिया मैंने पिंक कलर का ताकि समझ में आए। अब मुझे लेफ्ट घुमाना है, मतलब कि जो ये एरोप्लेन है वो कुछ इस तरीके से लेफ्ट घुमा, तो इसने क्या बनाया, एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल बनाया। क्या बनाया उसने, एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। ए का मतलब एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल और आर का मतलब रिएक्टिव, ठीक है। मैं पूरा फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ हर जगह। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक रिएक्शन भी लगेगी, एक्शन का रिएक्शन हमेशा लगता है, उसका ये रिएक्शन लगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी, रिएक्शन लगेगी। क्लियर। अब देखो मेन चीज़ क्या है, जो ये इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, हमारा रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल लग रहा है। अब हमारे पास में डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, तो मैं थंब को इस तरीके से रखूँगी, ना कि मैं इस तरीके से रखूँगी। क्लियर। क्योंकि डायरेक्शन क्या है, मैंने ब्लू कलर का एरो इस तरह से बनाया है। अब देखो ये जो मेरे नेल्स है ये इस तरीके से अपवर्ड नोज़ को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे। क्लियर। अगर मेरे हाथ में सपोज करो कि ये पेन है और ये एरोप्लेन है, तो इसकी नोज़ को क्या करेंगे, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ ऐसे करेंगे। तो नोज़ अगर ऊपर होगी तो टेल क्या होगी, उसकी नीचे होगी। क्लियर। तो जब हम एरोप्लेन को पीछे की तरफ से देखते रियर साइड से और उसको लेफ्ट टर्न घुमाते, जब हमारा प्रोपेलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो जब हमारा प्रोपेलर एक्सिस क्या है, हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका नोज़ अप हो रही है। कैसे, ये देखो नोज़ को क्या करेगा, धक्का लगाएगा ऊपर की तरफ, तो नोज़ को अप करेगा, टेल नीचे होगी। क्लियर। तो इस कंडीशन में क्या बन के आ रहा है हमारे पास में, नोज़ अप टेल डाउन। क्लियर। आई बात समझ में, जब हमने क्या किया था, लेफ्ट टर्न करवाया था। क्लियर।
अब ये तो लेफ़्ट करवाया है, अब राइट करवा के भी देख लेते कि क्या इफ़ेक्ट आता है। तो जस्ट इसी एरोप्लेन को हमने उठाया, चलो उठ जाओ, अब इसको हम यहाँ पर लेकर आ गए, लेफ़्ट घुमाया था पहले, अब हमने इसको राइट घुमा दिया, हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर कोई बंदा खड़ा होकर देखेगा तो उसके लिए ये लेफ़्ट है तो ये क्या है, राइट है। तो जस्ट मैंने क्या किया, इसको राइट साइड में घुमाया, क्लियर। तो ये क्या बना, एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट में ये बनेगा रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, क्लियर। तो ये डायरेक्शन क्या है, जो ब्लू कलर का एरो लगाया है, ये किसकी डायरेक्शन है, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल की। अब मैं अपना थंब किस तरीके से रखूँगी, क्योंकि हमें राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है, कभी भी अपना लेफ्ट हैंड यूज़ मत कर लेना, नहीं तो डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, सब उल्टी सीधी हो जाएगी। हमें राइट हैंड ही यूज़ करना है, डायरेक्शन हमारी ये वाली है, तो मैंने अपने हैंड को इस तरीके से रखा है, पहले मैंने इस तरीके से रखा था, अब मैंने इस तरीके से रखा है, क्लियर। डायरेक्शन हमारी ये वाली है, तो हमारी फिंगर्स देखो, मैं अगर फिंगर्स को इस तरीके से करूँ तो जो नोज़ होगी, एरोप्लेन है, एरोप्लेन की नोज़ को क्या करेगा, नीचे की तरफ पुश करेगा, एरोप्लेन की नोज़ नीचे जाएगी तो टेल ऊपर की तरफ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा आपका, इस कंडीशन में बनेगा आपका नोज़ डाउन टेल अप, जब मैंने क्या किया था, राइट किया था, राइट साइड टर्न किया था, क्लियर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो आप जायरोस्कोप के रिगार्डिंग जो एरोप्लेन पे हम इफ़ेक्ट देखने वाले हैं वो आप सारे इफ़ेक्ट यही से समझ जाओगे। सिर्फ इतना समझ में आने पे आप हर कंडीशन में क्या होगा क्या नहीं होगा पता लगा लोगे। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर इस वीडियो को एक बार अपनी तरफ से वापस से प्ले करके देखना, यहाँ तक अच्छे मूड से, नींद आ रही है, भूख लग रही है, तो पहले वो काम कर लेना, उसके बाद देखना, 100% आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। अब मैं जस्ट रेफरेंस के लिए बता देती हूँ, जो मैंने फिंगर्स का इशारा किया था, यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही थी, थंब कुछ इस तरीके से था, फिंगर कुछ इस तरीके से थी, इस कंडीशन बन रही थी, और यहाँ पे क्या बन रही थी, ऐसी वाली कंडीशन बन रही थी। तो ताकि आपको याद रहे, जब आप वापस नोट्स देखो या वापस से जब अपनी कॉपी में नोट करो तो आपको जस्ट रेफरेंस रहेगा, कुछ इस तरह से कंडीशंस बन रही थी, क्लियर। अब जो इतनी सारी कंडीशंस बनती है, ये तो हमने रियर साइड से देखा और सिर्फ दो कंडीशन देखी है कि लेफ़्ट टर्न किया राइट टर्न किया। अब जब आप प्लेन चला रहे हो या कोई भी व्हीकल आप चला रहे हो तो आप आगे से भी देख सकते हो, पीछे से भी देख सकते हो, राइट हैंड घूमो लेफ्ट हैंड घूमो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। तो सारे केसेस, सिर्फ एक केस ये वाला कॉन्सेप्ट से आपको समझा दूंगी मैं अभी कि किस तरीके से हम उसको डील करेंगे, क्लियर। तो अब देखो हुआ क्या, अभी हम केस लेके चल रहे हैं रियर का, मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ ग्रीन कलर का, ठीक है। रियर से हम देख रहे हैं, रियर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारा व्यू करने का डायरेक्शन है वो रियर साइड है। तो जब क्या होगा, दो कंडीशन बन रही है, एक तो आप इसको क्लॉकवाइज देख लो, एक होता है आप एंटी क्लॉकवाइज से देखो। जब आप क्लॉकवाइज से देखोगे तब भी दो कंडीशन बनेगी, लेफ्ट राइट, एक बार लेफ्ट साइड घुमा लो, एक टाइप राइट साइड घुमा लो। जब आप काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तब भी दो कंडीशन बन रही है, लेफ्ट एंड राइट, क्लियर। ये दो कंडीशन बना के कितने केसेस हो गए, रियर के 4 केसेस हो गए, 1 2 3 4। अब रियर के 4 हो गए, इसी तरीके से फ्रंट के भी क्या होंगे, 4 केसेस होंगे। तो अब पहले मैं आपको इसका समझा देती हूँ, जब हमने रियर साइड से व्यू किया पीछे की तरफ, ये क्या है, पीछे की तरफ रियर साइड है और ये फ्रंट साइड है, ठीक है। ये 2D में बताया था, ये 3D में थोड़ा सा मैंने रोटर और वो अरेंजमेंट लगा के आपको इससे भी मैंने समझाने की कोशिश करी थी अभी, ठीक है। तो जब रियर से देख रहे हो, लेफ्ट टर्न लिया और आपका रोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, रियर से क्लॉकवाइज लेफ्ट, यही कंडीशन अभी हमने देखी थी सबसे पहले। तो हमारा क्या था, नोज अप एंड टेल डाउन थी, क्या था हमारा, नोज अप टेल डाउन, ये केस बन रहा था। और राइट में क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था, रियर क्लॉकवाइज और राइट में जब घूमे तो नोज डाउन हो गई, टेल अप हो गया, ये तो मैंने समझा दिया था, लेकिन हमने इसका नहीं निकाला। चाहो तो आप प्लेन्स को इस तरीके से देख लो, कंफ्यूज ना हो, तो मैंने सिर्फ इतना ही समझाया है, अब बाकी सारे केस कैसे होंगे बता देती हूँ। रियर तो रियर का क्लॉकवाइज जो होगा वो रियर का एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होगा, किस तरीके से, जैसे कि रियर का लेफ्ट देख रहे हो तो रियर का
एंटी क्लॉकवाइज का राइट के बराबर होगा, जैसे रियर क्लॉकवाइज लेफ्ट। इसके लिए पहले एक चीज़ ये देखो, रियर का होता है फ्रंट, लेफ्ट का होता है राइट, एंड क्लॉकवाइज का होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये केसेस क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब रियर और फ्रंट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फ्रंट की बात अभी मैं कर नहीं रही हूँ, सिर्फ रियर की बात कर रही हूँ, तो इसको हटा दो। अब क्लॉकवाइज का उल्टा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का उल्टा क्या होगा, राइट। तो अगर मुझे रियर का एंटी क्लॉकवाइज का लेफ्ट निकालना है तो मुझे क्या होगा, इसके क्लॉकवाइज के राइट के बराबर होगा, मतलब कि नोज डाउन टेल अप, ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। सिमिलरली रियर का एंटी क्लॉकवाइज का राइट किसके बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज का राइट मतलब क्लॉकवाइज का लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज का उल्टा क्या है, क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, नोज अप टेल डाउन, तो ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। आई बात समझ में, ये समझ में आ गया तो फ्रंट के भी चार केस आप इजीली निकाल सकते हो। तो मैं यही बता देती हूँ आपको ताकि कॉन्सेप्ट पूरा यहीं पे क्लियर हो जाएगा, फिर हम डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। अब देखो, ये तो था रियर का, अभी अगर मैं बात करूँ कि फ्रंट की, फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो केस क्या बन रहे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यही दो केस बनेंगे सबसे मेन अगर मैं क्लासिफाई करूँ तो। और क्लॉकवाइज में भी क्या होगा, लेफ्ट राइट, एंड एंटी क्लॉकवाइज में भी क्या होगा, लेफ्ट राइट, क्लियर, यही बनेगा। अब हमें सबको नहीं निकालने बैठ जाना है वहाँ पे, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कोई न्यूमेरिकल आया फिर उसमें इफेक्ट पूछा जाता है कि अच्छा फाइनली इफेक्ट बताओ, तो इतना प्लेन बना के या दिमाग में इतना सोच के, इतना कंफ्यूज होके, इतना टाइम ख़राब करके और फिर आंसर निकालो वो भी गलत निकल जाए, तो इतना रिस्क नहीं लेना है। जस्ट एक कॉन्सेप्ट पता है आपको, यहाँ पे आपने दिमाग लगा लिया, अब इसी दिमाग को जो लगाया है उसको हर जगह अप्लाई करना है। किस तरीके से करोगे, देखो फ्रंट का उल्टा क्या होता है, रियर। अगर मैं पूछूं कि फ्रंट का क्लॉकवाइज राइट, फ्रंट क्लॉकवाइज राइट बताओ, तो क्या होगा, फ्रंट का उल्टा रियर, क्लॉकवाइज का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, रियर का उल्टा लेफ्ट, मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, नोज डाउन टेल अप। आ गई बात समझ में, इसके लिए बहुत ईजी है। सिमिलरली अगर फ्रंट का मैं बोलूँ एंटी क्लॉकवाइज का लेफ्ट बताओ, तो फ्रंट का उल्टा रियर, एंटी क्लॉकवाइज का उल्टा क्लॉकवाइज, लेफ्ट का उल्टा राइट, मतलब कि नोज डाउन टेल अप। इसके लिए आई बात समझ में, इसी तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो। तो ये था बेसिक कंसेप्ट, जो कि वीडियो अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ भी डाउट नहीं होगा और ऐसा समझ में आएगा, कभी भूलोगे भी नहीं। अब हम बात करते आगे, डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन में क्या होगा कि हमें निकालना है कि जो हमारा मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, सबसे पहले हमने डिस्क को दिया था, ये हमारी डिस्क थी, तो हमने कुछ ना कुछ तो इसको रोटेट करके स्पिन करवा के फिर यहाँ पे लगाया था, तो वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही थी, स्पिन कर रही थी, तो कुछ ना कुछ उसका एंगुलर मोमेंटम होगा इस रोटर का, इस डिस्क का, ठीक है। तो रोटर बोल लो, डिस्क बोल लो, पहले भी बताया था, कोई बात डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है, उससे कंफ्यूज मत होना। मेन है कि हमारा आउटपुट क्या आता है, डेरिवेशन क्या आता है, क्लियर। तो जगह कहाँ दिख रही है इस पेज में, वहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ कहीं पे जगह दिख रही है, मैं आपको यही बता देती हूँ, देखो, या फिर मैं न्यू पेज ले लेती हूँ, यहाँ बता देती हूँ, चलो यहाँ पे एक बार थोड़ा बहुत देख लो। एंगुलर मोमेंटम नहीं बता पाएंगे यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे देखो, ये एक मैंने न्यू पेज लगा दिया, शीट लगा दी है। अब आप यहाँ पे देखो, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटर, जो रोटर था, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, जो आई क्या है, उस रोटर का इनर्शिया, ओमेगा क्या है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, ये तो था हमारा एंगुलर मोमेंटम इनिशियली जो था, क्लियर, लेकिन चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब चेंज निकालने के लिए क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक गया, हमने टर्न लिया था, तो जब हमने इसको लेफ्ट टर्न लिया था तब की बात है ये, है ना, जब लेफ्ट टर्न लिया था, या राइट भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा,
डेल्टा थीटा। आप कहीं से भी कहीं घुमाते हो तो क्या होता है, एंगल फॉर्म होता है। ये जो है ये एंगल इस तरीके से घुमाओगे तो एक एंगल बनेगा। पहले कंडीशन ये थी, अब कंडीशन ये है, तो उसके बीच में क्या होगा, एक एंगल फॉर्म होगा, उसको मैंने बोल दिया डेल्टा थीटा। तो अगर मैं बात करूँ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो पहले क्या था आई ओमेगा, अब क्या हो जाएगा, पहले था हमारा आई ओमेगा और चेंज कितना आया है, डेल्टा थीटा का चेंज आया है, तो अब क्या हो जाएगा आई ओमेगा डेल्टा थीटा। लेकिन ये डेल्टा थीटा का चेंज किसके रेस्पेक्ट में आया है, एक्सिस ऑफ प्रिसीजन के रेस्पेक्ट में आया है। एक्सिस ऑफ प्रिसीजन इस तरीके से रोटेट कर रही है, उसके रेस्पेक्ट में डेल्टा थीटा का चेंज आया है आपके पास, तो इसको आप क्या करोगे, डेल्टा थीटा पी लिखोगे। क्लियर, क्योंकि प्रिसीजन एक्सिस के अबाउट हुआ है। तो जस्ट हमारा जो न्यू पेज हमने लिया था उस पर हम वापस से यही चीज़ लिख देते एक बार और, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, अभी बताया था मैंने आई ओमेगा डेल्टा थीटा पी। ठीक है, तो ये तो चेंज निकल गया। जब भी हमें रेट ऑफ चेंज अगर निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज मतलब कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहे हो, तो मैंने माना कि एक सेकंड में जो चेंज हुआ है ना ये वो है, मतलब कि डेल्टा थीटा पी ऐसे कैसे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि डेल टी लिख दिया। डेल टी क्या शो कर रहा है कि मान लिया कि एक सेकंड में आपका इतना एंगल चेंज हुआ है, अब कितना हुआ है वो हमें नहीं पता, तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दिया है, डेल्टा टी। जब भी रेट ऑफ चेंज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, तो हमने ये चीज़ कर दी। तो अब देखो आई ओमेगा ऐसे का ऐसे ही। अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, वेलोसिटी होता है, यूनिट भी क्या होती है उसकी, जैसे कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसे समझ में आ रहा है, मीटर क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, सेकंड क्या है टाइम, तो ये क्या होता है आपका वेलोसिटी। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करूँ, एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि ओमेगा की अगर बात करूँ, तो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रिसीजन के अबाउट टाइम, तो ये क्या होगा ओमेगा पी। क्लियर, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अबाउट पर यूनिट टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्लियर, तो कहने का मतलब है कि इस चीज़ को मैं ओमेगा पी लिख सकती हूँ, तो मैंने ये यहाँ पे ओमेगा पी लिख दिया। सिंपल, ज़्यादा दिमाग लगाने का कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारे पास में आ गया, तो यही क्या होगा आपका, जायरोस्कोपिक कपल होगा। क्लियर, क्योंकि हम जो ये सारी रामायण कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, ये जो रिएक्टिव फोर्स आ रहा था, रिएक्टिव कपल लग रहा था, उसी को हम बात कर रहे थे। तो बेसिकली वही हमारे पास में कपल निकल के आया है, जायरोस्कोपिक कपल, जिसका फॉर्मूला हमारे पास में आई ओमेगा ओमेगा पी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपसे कोई भी जब भी न्यूमेरिकल आपके पास में आता है तो आपके पास में दो चीज़ें पूछी जाती है, या तो कोई ओमेगा पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इफ़ेक्ट बताओ। इफ़ेक्ट मतलब कि उसने कंडीशन दे रखी है कि एरोप्लेन जा रहा था, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, क्लॉकवाइज हो रहा था, ये सब डेटा आपको दे रखा है। फिर पूछेगा अच्छा इफेक्ट बताओ, इफेक्ट मतलब कि हुआ क्या, फाइनली नोज अप है, टेल डाउन है, क्या कंडीशन बन रही है वो हमको बताओ। तो वो चीज़ आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आ जाएगी, और ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल में सिंपली ऐसे का ऐसे ही उठ के काम में लेना है आपको, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल में सिंपली के दिया हुआ है, के क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन अगर आपको न्यूमेरिकल में गिवन है, तो आप जो आई होगा, ये जो आई है इसकी जगह क्या लिखोगे, एम के स्क्वायर, के की वैल्यू सिंपली पुट कर दो। लेकिन वहाँ पे मेंशन कर रखा है कि डिस्क दे रखी है, भाई हमने डिस्क दे रखी है, और डिस्क का हमें कुछ ना कुछ रेडियस दे रखी होगी, डायमीटर दे रखा होगा, तो वहाँ पे आई क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू, क्योंकि जो के होगा उस डिस्क के केस में क्या होगा, आर बाई रूट टू होगा। इतना समझ में आया, अगर ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, दिमाग ख़राब नहीं हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।